हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। गाइज, अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो और उस दौरान अचानक से ट्रेन रुक जाए तो आपकी हालत क्या हो, तो इसी तरीके से मैं आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जो कि ट्रेन को लेके है। ट्रेन को छोड़ के इंजन 3 किलोमीटर तक चला गया है और जब यात्रियों ने देखा तब उनके होश उड़ गए हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। लखीमपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन और उस दौरान हुआ कुछ ट्रैक पर ऐसा कि लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, कभी कभार आप ट्रेन में सफर करते हैं और बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त। और आजकल बहुत सारे त्योहार आ गए हैं तो आप लोग कहीं किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं तो अपने घर पर जाना तो लाजमी बनता है और उस दौरान आप ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, कभी कभार बस का सहारा लेते हैं, कभी कभार ट्रेन का सहारा लेते हैं। और ट्रेन में यात्रा करते समय आपको काफी सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिसका आप भरोसा करते हैं और उस दौरान टाइम टू टाइम भी ट्रेन होनी चाहिए क्योंकि आपको अपने घर पहुंचना होता है। तो ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का मामला हमारे सामने आया है जहां पर ट्रेन तो चल रही थी और लखनऊ जा रही थी और उस दौरान ट्रेन को बड़ा झटका लगा और झटका लगने के साथ ही वो अचानक से, पहले तो बहुत तेज चल रही थी और फिर धीरे धीरे वो स्लो होने लग गई और अचानक झटका लगा और झटके के कारण वो ट्रैक पर रुक गई। और जब यात्रियों ने बाहर निकल के देखा तब यात्री काफी ज्यादा हैरान रह गए क्योंकि वहां पर नजारा ही कुछ अलग था। ट्रेन तो रुक चुकी थी पर जो उसका इंजन था वो 3 किलोमीटर दूर चला गया था। और जब उसके बाद जब दूसरे पायलट को पता चला कि ये सब चीजें हुई है तब उसने लोको पायलट को वॉकी टॉकी के थ्रू उसने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसको बताया और फिर दोबारा से इंजन वापस लेके आया गया और इंजन को उसके साथ अटैच किया गया और ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। और अभी अधिकारियों का इसके ऊपर कहना ये है कि ये काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी पैसेंजर ट्रेन को लेके पहले भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हमने इसके इंजन को बदल दिया था पर अभी फिर दोबारा से इंजन की प्रॉब्लम आ रही है। और वहां पर हमें जहां तक लग रहा है टेक्नोलॉजी के अगर थ्रू से हम लोग बात करें तो वो कोई पावर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से इंजन से डब्बों तक पावर नहीं पहुंच पा रही, उसका कनेक्शन लूज हो गया जिसकी वजह से इंजन तक तो पूरी पावर थी पर वहां पर ट्रेन पे कोई भी पावर नहीं थी। अभी भी इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है, अधिकारी ये चीज बता रहे हैं कि कोई भी इसके ऊपर जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आज के बाद इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, अधिकारी बहुत सारी बातें बोल देते हैं पर बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अर्जेंटली पहुंचना होता है। और ये खबर पहली नहीं है जो रेलवे विभाग को लेके है, बहुत सारी खबरें ऐसी आती है जो रेलवे विभाग को लेके उनके ऊपर उंगली उठ रही है पर वो फिर आए दिन कुछ ना कुछ गलती किए जा रहे हैं। उन लोगों के लिए करना क्या चाहिए, हम लोगों को क्या आवाज उठानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।